हेलो गाइस, बेस्ट होम डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिजाइन जो कि 3 BHK है। तो दोस्तों, हमने इस घर में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक बेडरूम का प्रोविजन दिया है और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों उसमें हमने 2 बेडरूम का प्रोविजन दिया है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको हमारे इस घर का जो ये खूबसूरत सा घर का नज़ारा दिख रहा है आपको, इसका मैं आपको ओरिएंटेशन, प्लॉट डायमेंशन और ये घर कितने में बन जाएगा या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी ये बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे इस घर का ओरिएंटेशन और प्लॉट डायमेंशन। तो ये जो फ्रंट फसाद दिख रहा है दोस्तों आपको, ये हमारा 35 फीट वाला डायमेंशन रहेगा और जो दोस्तों हमारा जो साइड वाला डायमेंशन है जो कि अभी आपको दिखेगा, ये रहेगा दोस्तों हमारा 45 फीट डायमेंशन रहेगा दोस्तों। और इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा दोस्तों हमारा 30 लाख में ये पूरा फुल कंप्लीट होके आपको प्रिपेयर्ड मिल जाएगा दोस्तों। इस घर का ओरिएंटेशन है दोस्तों हमारा साउथ फेसिंग और दोस्तों जो हमारा तीनों तरफ है इसके प्लॉट के, साउथ के अलावा जो बाकी डायरेक्शन है वो सब पैक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने इस घर खूबसूरत से घर का इंटीरियर वॉक थ्रू दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अभी आप वो लोग आप लोग व्यू देख रहे हैं हमारे इस घर का बाहर का, अब मैं आपको इसके घर के अंदर का व्यू दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया से कनेक्ट होते हुए दोस्तों हमारा आ जाता है ये यहाँ पे एक ग्रीन स्पेस, ये देखिए दोस्तों। फिर ग्रीन स्पेस से कनेक्ट होते हुए दोस्तों हमारा आ जाएगा ये इंट्रेंस, मेन इंट्रेंस जो रहेगा घर के अंदर का, और राइट तरफ आएगा हमारे स्टेयरकेस और लेफ्ट तरफ आएगा हमारा ड्राइंग एरिया दोस्तों। तो ये देखिए अब दोस्तों, ड्राइंग एरिया कितना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। ऐसे ड्राइंग एरिया में हर एरिया में हमने बड़ी बड़ी विंडोज दी हैं और ये फ्रंट में आ जाएगा हमारा टीवी यूनिट दोस्तों। फिर टीवी यूनिट से कनेक्ट होते हुए यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टेयरकेस और स्टेयरकेस के बाजू में आ जाएगा दोस्तों ये हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया और किचन हमारा कॉमन रहेगा दोस्तों, जो कि साथ में अटैच रहेगा, मतलब डाइनिंग और किचन कॉमन रहेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं अभी किचन एरिया। फिर यहाँ से किचन से कनेक्ट होते हुए दोस्तों हमारा एक कॉमन टॉयलेट आ जाएगा। देखिए अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं हर जगह हमने बड़ी बड़ी विंडोज प्रोवाइड की हैं ताकि घर में नेचुरल वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग का प्रोविजन बहुत ईजी हो सके दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर का, जो कि लिविंग ड्राइंग एरिया और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एक बेडरूम है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको को हमारे इस घर के डिज़ाइन का 2D फ्लोर प्लान चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना नंबर कमेंट करें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर हमें व्हाट्सएप करें, वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम, ये ओपन टू स्काई दिया है हमने ताकि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है उसके लिए वेंटिलेशन का प्रोविज़न हो सके और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का कॉमन टॉयलेट है उसके लिए भी हमने एक यहाँ से कनेक्टिविटी दी है जो कि ओपन टू स्काई से कनेक्टिविटी है दोस्तों। तो बेड कॉमन टॉयलेट और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है उससे कनेक्टिविटी है ओपन टू स्काई की, ताकि नेचुरल वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग मिल सके दोनों रूम्स को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको हमारे फर्स्ट फ्लोर का जो 3D वॉक थ्रू वो दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहेगा हमारा एंट्रेंस का व्यू और ये आ जाएगा हमारे स्टेयरकेस। अब हम ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, स्टेयरकेस से हमारा व्यू कुछ ऐसा दिखेगा बाहर का, कितना खूबसूरत नज़ारा रहेगा दोस्तों। और यहाँ से जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा लेफ्ट तरफ आएगा ये टेरेस का जो गेट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टेरेस का व्यू दिखा देता हूँ। टेरेस का व्यू कुछ ऐसा खूबसूरत सा दिखने वाला है दोस्तों। ये आउटडोर सीटिंग के लिए बहुत ही अच्छा जगह बन सकता है दोस्तों। ये पूरा फुल फैमिली गैदरिंग या फिर आउटडोर सीटिंग के लिए यूज़ हो सकता है। और ये हमारा साइड में हमने एक और जगह छोड़ी दोस्तों। मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मैं जो हमारा 3D प्लान रहेगा उसमें दिखाऊंगा दोस्तों थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहेगा टेरेस व्यू से जो बाहर का व्यू ऐसा दिखने वाला है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको हमारा जो फैमिली रूम या फिर लिविंग रूम कहलाएगा वो दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, लिविंग रूम हमारा ऐसा कुछ व्यू दिखेगा। यहाँ पे भी हमने बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की है ताकि नेचुरल लाइटिंग का प्रोविज़न आसानी से दिया जा सके दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें भी हमने टीवी यूनिट दी है और हर जगह हमने पेंटिंग्स और इंटीरियर का खास ख्याल रखा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट है उसको देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट और जो ग्राउंड फ्लोर का कॉमन टॉयलेट है दोस्तों, दोनों सेम ही है, डिजाइन कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट था उसके जस्ट ऊपर ही हमने इसका फर्स्ट फ्लोर का टॉयलेट भी डिजाइन किया दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में जो हमारा बेडरूम नंबर 2 रहेगा उसका भी व्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, दोनों बेडरूम, बेडरूम 1 और बेडरूम 2 का डिजाइन सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक के ऊपर एक आ रहे हैं तो लेआउट पूरा सेम रहेगा दोस्तों।
इंटीरियर दोस्तों चेंज किया जा सकता है बहुत आसानी से। अगर आप मुझे बोलेंगे कि इंटीरियर भी देखना है आपको, तो हम अगले वीडियो में आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बेडरूम 3 का व्यू दिखा देता हूँ कि वॉक थ्रू कैसा दिखेगा बेडरूम 3 का। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम बेडरूम 3 के में एंटर कर रहे हैं। तो बेडरूम 3 में दोस्तों हमने मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है, जिसमें बैल्कनी भी कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं बड़ी विंडो के साथ वो जो बैल्कनी है वहाँ का व्यू दिखेगा आपको अभी, और इसी में अटैच टॉयलेट भी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मास्टर बेडरूम की बैल्कनी का व्यू देख रहे हैं अभी आप, और यहीं से कनेक्ट होते साइड में आपको दिखेगा एक जो इसका अटैच टॉयलेट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका जो अटैच टॉयलेट है उसका भी व्यू दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। दोस्तों हमने इंटीरियर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि हम प्लानिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अगर आपको इसका इंटीरियर चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इंटीरियर भी देखना है हमारे इस खूबसूरत से घर का। तो ये रहेगा दोस्तों हमारा बेडरूम 3 का प्लान। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको हमारा जो रूफ टॉप प्लान रहेगा इस घर का, कि छत का प्लान कैसा रहेगा, जिसमें हमारी जो बाकी सर्विसेस आएंगी जैसे सोलर वाटर हीटर और सोलर पैनल, उसका व्यू कैसा दिखने वाला है, तो वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, हम सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और यहाँ से व्यू हर जगह हमने बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हैं दोस्तों। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारा नेचुरल लाइटिंग और नेचुरल वेंटिलेशन। तो हर जगह हमने बड़ी बड़ी विंडोज़ दी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं छत में। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक सिटिंग स्पेस प्रोवाइड किया ताकि आसानी से बैठने का प्रोविज़न बन सके। और ये देखिए दोस्तों, पूरी छत खाली है, पूरा फुल एक एरियल व्यू मिल सकता है छत से, और यहाँ पे दोस्तों पूरी फुल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो कैसा लगा दोस्तों डिज़ाइन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब चलिए मैं आपको हमारे खूबसूरत से घर का 3D प्लान दिखाऊँगा दोस्तों। तो गाइज, अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस खूबसूरत से घर का वॉक थ्रू और इंटीरियर का वॉक थ्रू। अब मैं आप लोगों को दोस्तों हमारे इस घर का 3D जो प्लान है वो समझाऊंगा कि ग्राउंड फ्लोर में कैसा डिज़ाइन है और फर्स्ट फ्लोर में कैसा डिज़ाइन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अभी देखेंगे ग्राउंड फ्लोर का हमारा जो 3D प्लान है वो। तो ये देखिए दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर का 3D प्लान हमारा कुछ ऐसा रहेगा। ये है रोड हमारी दोस्तों, और ये फ्रंट जो हमारा ये 35 फीट है, और ये जो साइड है हमारी ये 45 फीट है। तो 35 फीट तरफ से हमारा एंट्रेंस आएगा, फिर एंट्रेंस के साथ हमारा कनेक्ट होते हुए पार्किंग आ जाएगा दोस्तों। पार्किंग में हमारी 2 गाड़ियों के लिए पार्किंग का स्पेस दिया है हमने दोस्तों। फिर पार्किंग से होते हुए हमारा ये एंट्रेंस है, और यहीं पर हमारा दोस्तों एक ग्रीन स्पेस का भी प्रोविज़न दिया है हमने। फिर एंट्रेंस से होते हुए राइट तरफ हमारा स्टेयरकेस आ जाएगा दोस्तों, और लेफ्ट तरफ आ जाएगा हमारा लिविंग एरिया। फिर सीधे जाएंगे दोस्तों तो ये हमारा किचन एरिया आ जाएगा और डाइनिंग एरिया, उससे कनेक्ट होते हुए दोस्तों हमारे एक कॉमन टॉयलेट आ जाएगा, जो कि ये ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम के लिए भी यूज़ हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमने दोस्तों एक ओपन टू स्काई स्पेस दी हुई है, ताकि यहाँ पे हमारे बेडरूम के लिए लाइटिंग और वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न हो जाए, और ये कॉमन टॉयलेट के लिए भी लाइटिंग और वेंटिलेशन का प्रोविज़न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर का प्लान में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जो हमारा किचन और डाइनिंग एरिया था उसको हमने फैमिली एरिया बोले, एक्चुअल में इसको लिविंग एरिया बोलते हैं दोस्तों। तो ये लिविंग एरिया में हमने कन्वर्ट कर दिया, या फिर फैमिली एरिया जो स्पेस होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। कॉमन टॉयलेट ही रहा आएगा दोस्तों। और जो हमारा बेडरूम था ग्राउंड फ्लोर का, वो हमारा बेडरूम 2 कहला जाएगा, और फिर फर्स्ट फ्लोर में आके, और फिर ये जो बेडरूम 3 है दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम कहला जाएगा, जिसमें टॉयलेट और बैल्कनी भी हमने प्रोवाइड किए दोस्तों। तो ये देखिए ऐसा कुछ रहेगा। और दोस्तों स्टेयरकेस से जैसे ही हम ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा टेरेस प्रोवाइड किया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये टेरेस आउटडोर सिटिंग जैसा एक्ट हो जाएगा, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी एक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। और टेरेस फ्लोर का प्लान दोस्तों ऐसा कुछ रहेगा। ये देखिए, टेरेस फ्लोर में हमने पूरा स्पेस प्रोवाइड किया दोस्तों, जो कि सर्विसेज के लिए काम आएगा, जैसे कि हमारा सोलर वाटर हीटर हो गया, और सोलर पैनल्स के लिए यूज़ हो सकता है ये टेरेस। और ये इतना बड़ा टेरेस है कि पूरा जो हमारा रूफ एरिया उसे पूरा कवर कर रहा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे घर का डिज़ाइन। कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आप लोगों को किसी को भी इस घर का हमारे 2D प्लान चाहिए, जो कि PDF फॉर्म में है, वो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है दोस्तों। तो हमें व्हाट्सएप करें और हमसे 2D प्लान इसका प्रोवाइड करा लें दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।